अप्रैल 2022 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और अब नवंबर 2024 में ये कंपनी ने अपना आईपीओ अनाउंस किया है। एनटीपीसी लिमिटेड की होल्ली ओन्ड सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 10,000 करोड़ का आईपीओ अनाउंस किया है। एनटीपीसी लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है इस कंपनी की, उन्होंने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में अभी तक 75,000 मिलियन रुपीज इन्वेस्ट किए हैं ताकि इंडिया में क्लीन एनर्जी को पुश मिल सके। और अब जब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपना आईपीओ अनाउंस किया है तो हम इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस आईपीओ के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझेंगे, शेयर होल्डर्स कोटा, इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल्स, फ्यूचर स्ट्रेटजीज, आईपीओ इश्यू डिटेल्स, ये सारी चीजों को देखेंगे और समझेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड, सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल ताकि आपको टाइमली स्टॉक रिकमेंडेशन, आईपीओ अपडेट्स, स्टॉक न्यूज अपडेट्स, ये सारी चीजें मिलती रहे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग कैपेसिटी एज ऑफ 30th सितंबर 2024। कंपनी का मेन फोकस है इंडिया के बड़े बड़े रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना और पावर सप्लाई करना पीएसयू और प्राइवेट कंपनीज के लिए। ये पावर डायरेक्टली ग्रिड में फीड होता है जिससे गवर्नमेंट एजेंसीज और पब्लिक यूटिलिटीज को सप्लाई किया जाता है। उनके काफी प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म पीपीएस दैट इज पावर परचेज अग्रीमेंट्स होते हैं जो स्टेबिलिटी देते हैं कि उनकी एनर्जी की डिमांड और सप्लाई स्टेबल रहेगी। देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड सोलार पावर, फ्लोटिंग सोलार पावर, विंड पावर, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन एनर्जी एंड हाइब्रिड पावर। कंपनी मेनली सोलार और विंड एनर्जी में फोकस करती है और उनके पास 16,896 मेगावाट की सोलार और विंड प्रोजेक्ट्स है जो अलग अलग स्टेट्स में प्रेजेंट है। As of 30th September 2024, the company had 17 off-takers across 41 solar projects and 11 wind projects. मूविंग ऑन, कंपनी के अब इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल्स को देखते हैं। कंपनी ने FY24 में 2,037 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था। नेट प्रॉफिट और लॉस को देखें तो कंपनी नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रही है। FY24 में कंपनी ने 344.72 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था जो ऑलमोस्ट डबल है उनके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर दैट इज FY23 से। कुछ फ्यूचर की स्ट्रेटजीज को देखें जो कंपनी आने वाले दिनों में फोकस करेगी तो इट इंक्लूड्स टू कंटिन्यू टू ग्रो इट्स प्रोजेक्ट पाइपलाइन थ्रू प्रूडेंट बिडिंग एंड स्ट्रेटजिक जॉइंट वेंचर्स, टू फोकस ऑन प्रोजेक्ट्स इन न्यू एनर्जी सॉल्यूशंस लाइक ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स एंड स्टोरेज, ड्राइव एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस, टू कंटिन्यू टू कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडिया सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स। अब इस कंपनी के आईपीओ इश्यू डिटेल्स को देखते हैं। कंपनी का आईपीओ 19 नवंबर को ओपन होगा फॉर सब्सक्रिप्शन और 22 नवंबर को क्लोज होगा। आईपीओ इश्यू साइज ₹10,000 करोड़ है जो कंप्लीट फ्रेश इशू है, देयर इज नो ऑफर फॉर सेल। आईपीओ प्राइस बैंड सेट किया गया है फॉर ₹102 to ₹108 पर इक्विटी शेयर विद 138 शेयर्स पर लॉट। इस आईपीओ में कंपनी ने ₹1,000 करोड़ शेयर होल्डर्स कोटा के लिए रिजर्व रखे हैं फॉर एनटीपीसी लिमिटेड शेयर होल्डर्स और इसके लिए रिकॉर्ड डेट सेट की गई है ऑफ 12th नवंबर 2024। मतलब अगर आपके डीमैट अकाउंट में एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर्स है एज ऑफ 12th नवंबर 2024 तो आप शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल हो। और इस आईपीओ के थ्रू कंपनी जो प्रोसीड्स रेज करेंगे तो कंपनी इंटेंड्स टू यूज देम टू इन्वेस्ट इन इट्स होल्ली ओन्ड सब्सिडरी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जीज लिमिटेड फॉर रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एंड ऑल्सो फॉर जनरल अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स अबाउट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में और डिटेल में जानने के लिए चेक आउट अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां आपको हमारे वेबसाइट लैंडिंग पेज का लिंक मिलेगा। वी होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज हो रिगार्डिंग दिस आईपीओ देन ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल गेट बैक टू यू। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अपडेट्स। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।